तो दोस्तों लेटेस्ट सूरत हाल ये है कि आज है हमारा चौथा दिन और हम बना रहे हैं अपनी गाड़ी के अंदर किचन, और गाड़ी हमारी बोलेरो नियो N10 ऑप्शनल। तो इसके अंदर बनाने जा रहे हैं अब हम किचन। 3-4 पार्ट में बन पाएगा क्योंकि टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है, और किचन बनने के बाद फिर निकलेंगे हम घूमने। तो काम करते करते हम बात करेंगे अपने कार के बाहर जो हमने स्टिकर्स लगाए हैं ना। बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं कि भाई वो कैसे लगाए हैं, कहाँ से बनवाए हैं, तो वो सारी बात करेंगे हम काम करते करते। एमएम भी अगर इधर का उधर हो जाए ना तो काम ख़राब हो जाता है, और मेरा तो 3-4 mm भी चल जाता है इधर का उधर। किचन में खुद ही बना रहा हूँ तो इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। जैसा कि आपको पता है पीछे EcoSport में भी मैंने किचन बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन में ऊपर और डिस्क्रिप्शन में नीचे इसका लिंक दे दूँगा, जाकर देखो कि हमने कैसे EcoSport में किचन बनाया था मैंने, और कैसे फिर हमें मजबूरन उस गाड़ी को बेचना पड़ा दिल पर पत्थर रख कर। वही पुराना अध्याय ख़त्म होता है तभी नया अध्याय शुरू होता है। तो भी हम काटने जा रहे हैं लकड़ को। चलो तो दोस्तों, जो कार का स्टिकर होता है ना, जो भी ग्राफिक्स बोलते हैं बेसिकली, जो कार के आजू बाजू आपको लगाना होता है, उसे लगाने से पहले आपको जो बातें ध्यान में रखनी है ना, सबसे फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपकी कार का डायमेंशन क्या है, साइज़ क्या है, किस साइज़ का आप उस पर ग्राफिक्स करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं। ठीक है, पहला। और दूसरी बात यार, देखो मैंने तो अपनी गाड़ी का जो ग्राफिक्स है ना, ये जो आप देख रहे हो, ये मैंने खुद ही डिज़ाइन किया है। गूगल पे गया, बहुत सारे ट्री पहाड़ उठाए मैंने, उसको फिर काट के मैंने ये डिज़ाइन बनाया है, खुद ही बनाया मैंने, क्योंकि मैं ये काम जानता हूँ। तो मेरे लिए तो इजी था, हो सकता है आपके लिए बहुत मुश्किल हो। तो इसलिए सबसे पहले ग्राफिक्स क्या कराना है, ये डिज़ाइन क्या होगा बेसिकली, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बाद में आपको रिग्रेट हो कि यार ये तो बेकार लग रहा है, ये क्या है, भद्दा लग रहा है। और प्रोपोर्शन बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, कितने एरिए पे आपको ग्राफिक्स करवाना है या करना है, वो आपको पूरा क्लियर होना चाहिए दिमाग में। कार को मेज़र करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप किसी भी कार की साइड पे जाओ, कार देखो काइट साइड पे जाओ, या जिस कंपनी की आपकी गाड़ी है ना उसी साइड पे जाओ, और अपनी गाड़ी का जो डायमेंशन है वहाँ से ले लो। वहाँ आपको एग्जैक्ट साइज़ पता चल जाएगा, फिर उसी साइज़ के अकॉर्डिंग आप अपना डिज़ाइन करो सिस्टम पर, जो भी आपको डिज़ाइन करवाना है या करना है, खुद करो या करवाओ, लेकिन कार को मेज़र करके करवाओ। ऐसे नहीं कि कुछ भी लगा दिया आड़ा टेढ़ा। प्रोपोर्शन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, करवाना कहाँ से है। ये बहुत बड़ा लफड़ा है भाई। मैं फिर करोल बाग गया, फिर वही सब मेरे साथ हुआ जो पिछली बार हुआ था। सारे वहाँ महाज्ञानी भरे हुए हैं, सबको सब कुछ पता है, और रेट पूछो तो रेट कोई 15,000 बता रहा है। मैक्सिमम मुझे 15,000 बताए थे। जो आप डिज़ाइन देख रहे हो ना, कार के दोनों तरफ करवाया मैंने। इसे करवाने के लिए जो मैंने रेट पता किए करोल बाग से भी और भी बहुत सारी जगहों से, 15,000 से स्टार्ट हुआ था ये। 15,000, 12,000, 11,000, 11,500, 10,000, 7,000, 8,000। सही कौन कर रहा है, गलत कौन कर रहा है, इसका आप हिसाब लगा ही नहीं सकते। अब इसका एक्चुअल प्राइस क्या है ये आपको पता ही नहीं चल पा रहा है। सारे अपनी अपनी बीन बजा रहे हैं, सारे महाज्ञानी भरे हुए हैं भाई। सही कौन है, गलत कौन है, इसका अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता। तो ऐसे में बंदा करे तो करे क्या। अगेन रिसर्च। आप 50-60 जगह जाके पता करोगे तो शायद आपको एक सही बंदा टक्कर जाए। वही मेरे साथ भी हुआ। डिज़ाइन मैंने खुद बनाया था, डायमेंशन सारी मैंने खुद ली थी, ओपन फाइल में लेके गया था, सिर्फ उसका प्रिंट निकालना था। तो मैं पहुंचा, कितने में हुआ वो मैं भी आपको बताऊंगा। बहुत सस्ते में हो गया मेरा, कैसे हो गया वो भी बताऊंगा। तो मैं पहुंचा उस शॉप पर, तो फिर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ना, समस्या थी, वो ये थी कि प्लॉटर कटिंग से कराया जाए कि सिंगल प्रिंट से कराया जाए। प्लॉटर कटिंग होती है जैसे आप कुछ गाड़ी पे लिखवाते हो ना नाम वाम, तो मशीन उसको उसी शेप में काटती है। तो मेरे डिज़ाइन के साथ प्रॉब्लम ये थी, एक मिनट यार गलत ना कट जाए, हाँ मेरे डिज़ाइन के साथ प्रॉब्लम ये थी कि मेरा जो डिज़ाइन है ना, आप जैसा कि आप देख रहे हो माउंटेन्स हैं, बहुत सारे पाइन ट्री वगैरह हैं। तो अगर मैं प्लॉटर कटिंग से करवाता तो पाइन ट्री के जितने भी एजेस हैं ना, ये टिक 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 एक नहीं हज़ारों में है, वो सारे उसी शेप में काटता प्लॉटर। और उस कंडीशन में जो मेरा कार साफ़ करने वाला लड़का है ना, जो कपड़ा मारता है, वो रोज़ सुबह अंधाधुंध कपड़ा मारता है उसके ऊपर, वो नहीं देखता भाई साहब कपड़ा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। तो उस कंडीशन में उस ट्रीज़ के ना सारे जो कॉर्नर हैं धीरे धीरे उखड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या थी मेरे लिए कि इसका इलाज क्या किया जाए। तो इसलिए मेरे को फिर लगा कि यार एक सिंगल प्रिंट निकाला जाए। ये मटेरियल होता है, ये गमिंग शीट होती है, पीवीसी काइंड मतलब ट्रांसपेरेंट शीट होती है, इसके ऊपर आपका डिज़ाइन जो होता है वो प्रिंट निकल जाता है। बड़े बड़े प्रिंटर होते हैं और उसको फिर आप एक ही कट ऐसे माउंटेन का कट लेके चिपका सकते हो या चिपकवा सकते हो। तो मैंने डिसाइड किया कि सिंगल प्रिंट पे चलते हैं, वही बेस्ट ऑप्शन मुझे लगा और प्रैक्टिकल भी वही था मेरे डिज़ाइन में। तो ठीक है भाई, फिर हमने अपनी फाइल अंकल को भेजी क्या, मैं खुद गया वहाँ पे। उन्होंने तो कहा था मेल कर दो, पर मैंने कहा नहीं यार एक बार जाके पता करते हैं उसको क्या समझ में आता है और क्या मैं समझा पाता हूँ। तो मैं वहाँ पर गया, उनको मैंने अपनी फ़ाइल दिखाई, सारी बात हुई। तो उनका ठीक है बेटा 3 घंटे बाद आ जाना, प्रिंट तैयार होगा, काट के लगा देंगे। प्रिंट था दोस्तों, मेरा जो साइज़ था ना, मेरा साइज़ था 2.5 फुट बाय 5 फीट एक साइड का, 2 प्रिंट निकलने थे। तो जितनी भी ये आप देख रहे हो ना, ये मैंने जो लिखा है वो है लक्स ऑन द ट्रेल, गरीब रस, ये गोल्ड वाला स्टिकर, ये जो मेरे माउंटेन के अलावा जो एरिया बच गया था ना, ये सारा मैंने वहाँ स्मार्टली सेट कर दिया कि प्रिंट के पैसे उतने ही लगने हैं तो वो एरिया वेस्ट क्यों करें, तो उसको उसके साथ ही मैंने सेट कर दिया। तो ये मेरे जो एक एडिशनल बेनिफिट हो गया, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो बहुत कुछ बचा सकते हो, करवा सकते हो। एक मिनट, तीन घंटे बाद मैं वहाँ पहुँच गया। प्रिंट मेरे तैयार थे। तो जो अंकल ने बोला लड़कों को बेटा इसको लगा दो, अब गाड़ी वाड़ी उन्होंने साफ की और कटिंग करके लगाना शुरू कर दिया। हालांकि ये जो लड़के थे ना, ये एक नंबर के ना हरामजादे थे, उनसे बढ़िया मैं ही लगा लेता, पर फर्स्ट टाइम था तो मुझे लगा शायद एक्सपर्ट है तो उन्हीं से लगवाओ। पर चलो भैया अब क्या करें, जैसे तैसे लगवा लिया हमने। लकड़ी कट गई भैया, जबर हो गया मामला, जबर। उन्होंने कटिंग की, लगाई, फिनिशिंग के नाम पे वो ज़ीरो थे। तो अभी आप देखो मैंने दोबारा फिनिश किया है, खुद सर्जरी ब्लेड लिया मैंने और खुद से फिनिश किया है मैंने। ये जो बोलेरो नियो ऑप्शनल और बोलेरो नियो नॉर्मल के अंदर का जो फ़र्क है, जब ये शूट करने गए थे तो मैंने इसको ऐसे फाइन कट किया है, ये देखो इस तरीके से। और अब इसकी जो लुक है ना, पहले से और भी ज़्यादा ज़बरदस्त हो गई है। तो कुल मिला के बहुत सारी रिसर्च और मेहनत के बाद नतीजा ये निकला कि मेरा 2500 रुपये में ये सारा काम हो गया है और रिज़ल्ट आपके सामने है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब ज़रूर करो अगर आप चैनल पर नए हो। बिना आपके सब्सक्राइब करने के, बिना सब्सक्रिप्शन के भैया हमारा चैनल नहीं बढ़ पाएगा आगे, और पता नहीं हम कहाँ पे अपना स्टॉप लगा दें। तो ये ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करो, शेयर करो और लाइक भी करो, ताकि चैनल की ग्रोथ दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती रहे और मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँ। तो ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था कि अपनी गाड़ी में आप ग्राफिक्स कैसे करें या कैसे करवाएं। तो ये था हमारा वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहो लक्स ऑन द ट्रेल के साथ और सब्सक्राइब किए ना मत जाना भाई, हम करते हैं इस काम को कंटिन्यू। चौथा दिन है आज, मौसम बहुत खुला हुआ है, धूप निकली हुई है, तो आज पूरा दिन मैं काम करूँगा और कोशिश करूँगा कल शाम तक ये कंप्लीट हो जाए, क्योंकि एक बड़े टूर की प्लानिंग हो रही है किचन के साथ। रोड साइड कैंपिंग करेंगे, फुल मस्ती करेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें।